तो आज से हम लोग इस अभ्यास सत्र का नया बैच शुरू कर रहे हैं। इसमें आप सभी का स्वागत है। अब हम लोग प्रतिदिन 6:30 से 7:30 के बीच में इस अभ्यास सत्र को रखेंगे हिंदी में, और जैसा अंग्रेजी में 5:30 से 6:30 में चल रहा था, ऐसा भी अनवरत रूप से चलेगा। और ऐसा अनुमान है कि हम इस बैच के साथ 4 महीने तक इस अभ्यास को करेंगे, और फिर हम लोग उसके बाद नए बैच के साथ काम करेंगे। तो इन 4 महीनों में, लगभग 4 महीनों में, अपेक्षा है कि जो प्रस्ताव हमें वर्कशॉप में सुनने को मिला है, बुक को पढ़ने से मिला है, और जो प्रस्ताव हमें यहाँ से मिला है और बाकी स्रोतों से भी जो मिला है, उसमें जो मूल बात है वो हमारे दिखने में आ जाए, हमारे समझने में आ जाए, हमारे जीने में आ जाए, उसको लेकर ही हम लोग अभी चर्चा करने वाले हैं। तो हम सभी इस बात को अपने आप में देख पाते हैं कि हमारी मूल चाहना निरंतर सुखपूर्वक जीना है, और हम सभी निरंतर सुखपूर्वक जीने के प्रयास में ही क्रियाशील है। हम जो कुछ भी कर रहे हैं, जो भी हमारे अंदर विचार चल रहा है, जो भी हम दूसरे मनुष्य से व्यवहार कर रहे हैं, शेष प्रकृति के साथ जुड़कर हम जो कुछ भी कर रहे हैं, उसमें अगर हम मूलतः देखें तो जो हमारी चाहना बनी हुई है, सुख की बनी हुई है, हम वही करते हैं जिसमें हमें सुख लगता है कि नहीं। क्या हम लोग इस बात को देख पाते हैं कि हम सबकी मूल चाहना सुखपूर्वक जीना है या कुछ और है? तो अगर देखें तो पूरे शरीर यात्रा के लिए जो शोध का विषय है वो यही है कि सुख क्या है, ताकि हम सुखी हो जाए। हम जितना कुछ ही प्रयास कर रहे हैं सुखी होने के लिए कर रहे हैं, और यदि हम अपने जीने में आकलन करें तो क्या लगता है, हम निरंतर सुखपूर्वक जी पा रहे हैं कि नहीं? अगर अपने जीने का आकलन करें तो क्या पता लगता है, क्या हम निरंतर यानी हर क्षण सुखपूर्वक जी पा रहे हैं? जी पा रहे हैं, है ना? निरंतरता नहीं है, कभी सुखी होते हैं कभी दुखी होते हैं। इसका मतलब सुख को समझने में कोई चूक हो रही है, क्योंकि हम मेहनत तो बहुत कर रहे हैं, सुबह से लेकर रात तक पूरी शरीर यात्रा में हम मेहनत कर रहे हैं। हर क्षण हमारी इच्छा सुखी होने के लिए ही बनी हुई है, उसके लिए हम योजना बना रहे हैं, कार्यक्रम बना रहे हैं, उसी के लिए सारा निर्वाह कर रहे हैं, परंतु उसकी निरंतरता नहीं बन पा रही। तो मूल मुद्दा क्या है फिर यहाँ पर, क्यों ऐसा हो रहा है, उसको ही यहाँ पे रेज किया गया क्वेश्चन कि अभी हम सुख को किस रूप में देखते हैं। सुख को हम स्वभाव के रूप में देखते हैं या प्रभाव के रूप में देखते हैं, ये अपने आप से पूछने की बात है। स्वभाव का मतलब हुआ कि सुख का स्रोत मेरे भीतर है, प्रभाव का मतलब हुआ कि सुख का स्रोत मेरे बाहर है, और मैं बाहर से कुछ पाकर सुखी होने का प्रयास कर रहा हूँ। जब मैं बाहर से कुछ पाकर सुखी होने का प्रयास करता हूँ तो एक प्रभाव के रूप में काम करता है, परस्परता में प्रभाव के रूप में काम करता है। जब तक वो परस्परता बनी रहती है, और वो भी जैसी हमारी आशा है वैसी बनी रहती है, तो मैं सुखी अपने आप को मान लेता हूँ। उसको मैं सुखी हो पाता हूँ नहीं हो पाता हूँ, ये शोध का विषय है, इसको भी अपने आप में देखना होगा। मैं सुखी मान लेता हूँ अपने आप को, और फिर मैं उसके लिए प्रयास करता रहता हूँ। सामयिक रूप से कुछ उपलब्धि भी होती है, परंतु उसकी निरंतरता नहीं होती। यदि सुख का स्रोत मेरे भीतर है तो मैं अपने आप में सुखी रहता हूँ, हर क्षण सुखी रहता हूँ। यदि सुख मुझे स्वभाव के रूप में दिखता है, स्वभाव का मतलब स्वयं में स्वीकृत भाव जो हमारा इनेटनेस है, नेचुरल एक्सेप्टेंस है, और यदि वो सुख का स्रोत भीतर स्थापित हो जाता है तो स्वयं में स्थापित भाव, स्वयं में स्थापित हो गया है। तो चाहता तो मैं हूँ ही, स्वयं में स्थापित भी हो गया है, मेरे अंदर सुख का स्रोत स्थापित हो गया है। अब मुझे सुखी होने के लिए किसी प्रभाव की आवश्यकता नहीं है। अगर ऐसा नहीं है तो मुझे बार बार किसी प्रभाव को बनाकर सुखी होने के लिए कार्यक्रम बनाना पड़ता है। ये बात ठीक लग रही है? इसको लेकर यदि किसी का कोई प्रश्न हो तो हैंड रेज कर सकते हैं, हम इस पूरे चर्चा को काफी इंटरेक्टिव रखेंगे। आप पाएंगे कि इसमें मेरा रोल तो थोड़ा है, प्रस्ताव को सटीकता से आप तक पहुंचाने का रोल मेरा है, परंतु उस प्रस्ताव को जांचते हुए, जीकर देखते हुए जितने भी तरह के प्रश्न आते हैं उन सबको हम लोग यहाँ पे पूरे विस्तार से चर्चा करेंगे। प्रयोजन ये है कि उपलब्धि के रूप में हमें दिखने लगे, सुख स्वभाव के रूप में स्थापित होने लगे, हमें दिखने लगे कि हाँ सुख का स्रोत भीतर है और उसके लिए हमको सारा काम करना है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट बात है कि अभी हम सुखी होने के लिए कार्यक्रम बनाते हैं,
या सुखी होकर कार्यक्रम बनाते हैं। जब हम सुखी होने के लिए कार्यक्रम बनाते हैं तो बाहर से कुछ पाकर सुखी होने के लिए कार्यक्रम बनाते हैं। सुखी होकर कार्यक्रम बनाते हैं तो मैं अपने आप में सुखी रहता हूँ, उस भाव के साथ मैं परस्परता में अपनी भागीदारी को तय करता हूँ। तो अगर मुझे कोई व्यवहार भी करना है तो ये देखने की बात है कि मैं सुखी होने के लिए व्यवहार कर रहा हूँ या सुखी होकर व्यवहार कर रहा हूँ। मैं अपना शरीर का ध्यान रखता हूँ सुखी होने के लिए ध्यान रखता हूँ या सुखी होकर ध्यान रखता हूँ। मैं बाकी जो प्रकृति है, मिट्टी, हवा, पानी, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, इनके साथ जो मैं निर्वाह करता हूँ, मेरे अंदर सुख बना रहता है और फिर मैं उसके साथ निर्वाह करता हूँ, या मेरे अंदर सुख की निरंतरता नहीं होती, हो सकता मैं आराम में नहीं हूँ, परेशान हूँ, और उस परेशानी को दूर करने के लिए फिर ये कार्यक्रम बनाता हूँ। तो आप पाएंगे कि बाहर से जब भी मैं कोई प्रभाव को पाकर सुखी होने जाता हूँ तो मूलतः दो स्रोत काम करते हैं, या तो शरीर से कोई अनुकूल संवेदना मिल जाए ना, कोई ऐसा प्रभाव बन जाए हमारे अंदर, तो शरीर से कोई अनुकूल संवेदना मिल जाए, या दूसरे से कोई अनुकूल भाव मिल जाए। प्रभाव का मतलब इतना ही हुआ कि परस्परता में दूसरी इकाई का मेरे ऊपर कोई प्रभाव पड़ जाए। तो एक शरीर है जिससे हमें अनुकूल संवेदना मिलती है, और दूसरे मनुष्य के व्यवहार से हमें कोई भाव मिलता है, क्योंकि शरीर के माध्यम से ही मिलता है परंतु दूसरे मनुष्य से मिलता है। तो अभी हम पाएंगे कि ज्यादातर समय हमारा प्रयास इन्हीं दो दिशाओं में रहता है, पर एक तीसरा स्रोत भी हो सकता है कि सुख का स्रोत हमें दिखाई दे कि सही समझ और सही भाव है मेरे अंदर। जब सही की स्पष्टता होती है, सही मुझे दिखता है, जैसा जैसा है वैसा दिखता है, तो सुख का स्रोत मेरे भीतर बना रहता है और उसके साथ में शायद उसके साथ ही मैं फिर व्यवहार भी करता हूँ, शरीर का ध्यान भी रखता हूँ, शरीर के लिए सुविधाओं का प्रयोग भी करता हूँ कि नहीं। सुखी होकर जीने का मतलब कि मैं अपने आप में हर क्षण सुखी हूँ, मेरे भाव में सुख है, मेरे विचारों में सुख है, और उसके साथ ही मैं व्यवहार करता हूँ दूसरों के साथ। तो जैसे मैं घर के सदस्यों के साथ बात कर रहा हूँ, अगर मेरी आशा बनी हुई है कि अगर अगला व्यक्ति ऐसे बात कर ले तो मैं सुखी हो पाऊंगा, अगर अन्यथा बात करे तो मैं दुखी हो जाऊंगा, और उस आशा में मैं व्यवहार करता हूँ तो मैं सुखी होने के लिए व्यवहार कर रहा हूँ। परंतु यदि मैं अपने समझ भाव से ही सुखी हूँ और उस भाव को मैं शेयर कर रहा हूँ दूसरे के साथ, तो दूसरे का व्यवहार चाहे जैसा भी हो, मेरा व्यवहार तो निश्चित बना रहता है। दूसरे का भाव जैसा भी हो, मेरा भाव निश्चित बना रहता है, और उस भाव से मैं सुखी रहता हूँ। ये स्वभाव होना हुआ, अन्यथा एक प्रभाव है जो दूसरे का मेरे ऊपर पड़ रहा है। तो ये अपने आप में ऑब्जर्व करने की बात है, और इसको ही हम बारीकी से और ऑब्जर्व करेंगे। सुख क्या है, इसको हम लोगों ने प्रस्तावना के रूप में देखा कि सुख हारमनी है, व्यवस्था को समझना है, व्यवस्था में जीना है, और ये बात हमें अपील भी करती है। परंतु लौट कर जब हम अपने जीने का आकलन करते हैं तो कई बार ऐसा लगता है कि मैं हारमनी में नहीं हूँ, मैं डिसहारमनी में हूँ, और डिसहारमनी को दूर करने के लिए मैं बहुत सारी योजनाएं बना रहा हूँ, कार्यक्रम बना रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल, हम बैठे बैठे बोर हो जाते हैं, फिर हम क्या करते हैं, शरीर से कोई अनुकूल संवेदना पाने के लिए कार्यक्रम बनाते हैं। हम बैठे बैठे बोर हो जाते हैं, फिर क्या करते हैं, हम दूसरे से कुछ बात करने के लिए, व्यवहार करने के लिए कार्यक्रम बनाते हैं। अब इस पूरे प्रोसेस में देखें तो हम अपने आप में परेशान हो रहे हैं, बोर हो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, और उसको कम करने के लिए हम इंटरेक्ट कर रहे हैं। एक दूसरा भी तरीका हो सकता था कि मैं अपने आप में आराम में हूँ, है ना, सुख की स्थिति में हूँ, और मैं उसको शेयर करने के लिए दूसरे के साथ कार्यक्रम बना रहा हूँ। इन दोनों में अंतर है। मैं अपने अंदर जो सुख का भाव है उसको शेयर करने के लिए कार्यक्रम बना रहा हूँ, या मेरे अंदर सुख का भाव नहीं है, है ना, उसका अभाव है, परेशानी है, चिंता है, उसको दूर करने के लिए दूसरे के साथ कार्यक्रम बना रहा हूँ। तो कई बार ऐसा कहते हैं ना कि अभी आदमी का जो जीना है वो तीन तरह से रहता है। अभी जीते हुए या तो हमको अतीत की कोई पीड़ा होती है, या वर्तमान से विरोध होता है, या भविष्य की चिंता होती है। तो अतीत में जैसा हमने जिया उसकी पीड़ा है जिससे हम निकलने का प्रयास कर रहे हैं। तो जैसे ही हम अपने साथ होते हैं तो अतीत की जो पीड़ा है वो उनको घेर लेती है, बहुत सारी पुरानी बातें याद आनी शुरू होती हैं, और उसको जितना जितना मैं याद करता हूँ उतना उतना मेरी परेशानी बढ़ती है। या अभी वर्तमान में जिन लोगों के साथ मैं जी रहा हूँ, परिवार में, समाज में, अपने वर्क प्लेस पे, उनके साथ विरोध बना हुआ है,
और उस विरोध को ओवरकम करने का प्रयास कर रहा हूँ, और जैसे मैं अपने साथ होता हूँ वो विरोध मेरे ऊपर हावी होने लगता है या भविष्य की चिंताएं मुझे घेरने लगती हैं। तो आदमी के लिए बहुत मुश्किल काम है अपने साथ होना। अभी आप देखिए कि हमको लगता है कि हम परिवार के सदस्यों के साथ कंफर्टेबल नहीं है, वर्क प्लेस पे लोगों के साथ कंफर्टेबल नहीं है, समाज में जिनके साथ जीना हो रहा है उनके साथ कंफर्टेबल नहीं है, ऐसा कई बार हमारे अंदर भाव आता है। आप अपने आप से पूछिए कि क्या आप अपने आप के साथ कंफर्टेबल हैं, आप अपने साथ आराम में हैं। जैसे एक प्रयोग किया जाए कि हमको अपने साथ होना है ना, 24 घंटे हमको अपने साथ बिताना है, ना मोबाइल है, ना टीवी है, ना कोई अन्य व्यक्ति है, ना कोई पुस्तक है, बस अपने साथ होना है, और फिर देखिए हमारी क्या स्थिति होती है। आप पाएंगे कि हमारी कल्पनाशीलता में ये तीनों चीजें चलनी शुरू होती हैं, या तो अतीत की कोई पीड़ा याद आने लगती है, या वर्तमान में जो विरोध बना हुआ है वो याद आने लगता है, या भविष्य की कोई चिंता हमें घेरने लगती है, और हम अपने आप में ही उद्वेलित होने लगते हैं, परेशान होने लगते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि मैं अपने आप में कंफर्टेबल नहीं, मैं अपने साथ ही कंफर्टेबल नहीं। इसका मतलब यह हो मैं अपने आप के साथ कंफर्टेबल नहीं, और यही मेरी समस्या है। अब मैं इस डिस्कम्फर्ट के साथ जब अगले व्यक्ति के साथ इंटरेक्ट करता हूँ, तो या तो मैं अपने डिस्कम्फर्ट को कम करने के लिए प्रयास करता हूँ, उसके लिए मैं व्यवहार करता हूँ कि मेरे अंदर का डिस्कम्फर्ट कम हो जाए, या मैं अपने डिस्कम्फर्ट को दूसरे तक पहुंचा देता हूँ है ना। तो मेरी आशा या तो बनी रहती है कि दूसरे व्यक्ति मेरे डिस्कम्फर्ट को कम कर दे, मेरे दुख को, मेरी समस्या को कम कर दे, और अगर नहीं कम करता उसके प्रति शिकायत का भाव आता है, या हम अपने आप में इतने परेशान होते हैं कि उसी को हम बांटना शुरू कर देते हैं, उसी को फैलाना शुरू कर देते हैं। कम से कम को यही अगर प्रायोरिटी दिख जाए कि निरंतर सुखपूर्वक जीने के लिए अनुभव तक पहुंचना है, अगर यही हमारे ध्यान में आ जाए, इसकी प्रायोरिटी बन जाए, तो बहुत ही अच्छा। अभी हम चूंकि उसकी प्रायोरिटी नहीं बना पाते, और सुखी होने के लिए हम प्रभाव में ही परिवर्तन करने का सोचते रहते हैं, बेहतर से बेहतर प्रभाव पाने का प्रयास करते रहते हैं, उसके लिए अपना तन मन धन लगाए रखते हैं, है ना, ये समस्या है। देखिए, तो स्वभाव को दो रूप में प्लेस कर सकते हैं। एक तो स्वयं स्वीकृत भाव, जो हमारी सहज स्वीकृति है, तो वहां तो बात ठीक है कि हम सहज रूप से सुखी होना ही स्वीकारते हैं, परंतु जो बात अभी कही जा रही है, जिस रूप में कही जा रही है, वो ये है कि वो स्वयं स्थापित भाव हो गया है कि नहीं। तो निश्चित सी बात है कि जब तक हमारे अंदर ज्ञान समाधान पूरा ना हो जाए, वो हमारे अंदर स्थापित नहीं हो पाता, और बाहर से कुछ पाकर सुखी होने की आशा लगी रहती है, क्योंकि अंदर का विकास नहीं हुआ है। तो जब अंदर की ओर ध्यान देते हैं, स्वयं की ओर ध्यान देते हैं, तो वहां पे हमें परेशानी लगती है या अस्पष्टता दिखती है, और फिर हम सुख के लिए बाहर दौड़ते हैं, और ये स्थिति बनी रहती है। इसमें कम से कम इतना भी हमको स्पष्ट हो जाए कि सुख की निरंतरता तभी होगी जब सुख का स्रोत भीतर होगा, बाहर नहीं। अगर इतनी भी स्पष्टता हो जाए तो हमारी दिशा तो बदल जाएगी प्रयास की, अभी प्रयास की दिशा भी हो सकता है ठीक ना हो। तो हम सुख को निरंतर बनाए रखने के लिए बाहर की ओर भागते हैं, कोई ना कोई प्रभाव अनुकूल बनाने के लिए प्रयास करते रहते हैं, ये समस्या है। तो क्या होता है, जैसे ये जो घटनाएं होती हैं, है ना, इन घटनाओं से प्रभावित होकर हम दुखी होते रहते हैं। तो क्या हुआ, अगर शिशु के, है ना, ऐसे घटना होने पे यदि हम दुखी हुए, तो शिशु के उत्पन्न होने पे हम फिर किसी क्षण में जाके सुखी भी हुए थे और पहले नहीं थे। तो अभी हमारे भाव में उतार चढ़ाव आता रहता है। तो अगर हम थोड़ी सजगता से देखें, तो शिशु के उत्पन्न होने पे भी हम आवेशित नहीं होते हैं, और शिशु के साथ ऐसी घटना होने पे भी हम आवेशित नहीं होते हैं। हमारे अंदर एक निश्चित भाव बना रहता है। तो हमें जन्म भी समझ में आता है, मृत्यु भी समझ में आती है, बुढ़ापा भी समझ में आता है, रोग भी समझ में आता है, और हमारा भाव निश्चित प्रकार से बना रहता है। तो जब परिस्थितियां अनुकूल होती हैं तो न हम आवेशित होते हैं, न प्रतिकूल होती हैं तो हम आवेशित होते हैं, हम अपने स्वभाव में बने रहते हैं। ऐसा हम चाहते हैं कि नहीं, ये भी अपने आप में जांच परख का मुद्दा है। कई बार हमको ऐसा लगता है तो लाइफ में बहुत मोनोटोनी हो जाएगी, है ना, निरस्ता हो जाएगी, इसमें कोई उमंग, कोई उत्साह, कोई, है ना, मजा ही नहीं है लाइफ में। तो अभी हमको ये भी बहुत स्पष्ट नहीं रहता कि सुख को हम स्वभाव के रूप में स्थापित भी करना चाहते हैं नहीं, या हम प्रभाव में ही जीना चाहते हैं। क्योंकि अभी बहुत सारा जो बाहर चल रहा है, समाज में चल रहा है, उसमें हम देखें तो हमें लगता है कि
यदि सुख स्वभाव के रूप में होगा, यानी हम अपने आप में सुखी होंगे, तो समाज तो नीरस हो जाएगा, परिवार नीरस हो जाएगा, जीना नीरस हो जाएगा। इसलिए बहुत सारा सामयिक रूप से सुखी होने के लिए, आवेशित होने के लिए कार्यक्रम बनाते भी रहते हैं, दूसरों को प्रोत्साहित भी करते रहते हैं, उसमें लगाए भी रखते हैं, और पूरा मार्केट और इकोनॉमी वैसे चलता रहता है। तो हम चाहते जी भी हैं कि भैया, नहीं, ये भी एक अपने आप में तय करने का मुद्दा है कि हम सुख का स्रोत भीतर ही चाहते हैं या सुख के स्रोत को हम बाहर चाहते हैं, ये भी तय करने का मुद्दा है। ऐसा तो नहीं लगता कि अगर सुख का स्रोत भीतर होगा तो जीना नीरस हो जाएगा, है ना, बिल्कुल बोरिंग हो जाएगा, मोनोटोनस हो जाएगा, कोई इसमें उमंग, कोई एक्साइटमेंट कुछ रहेगा ही नहीं। अगर ऐसा लगता है तो फिर हम प्रयास ही उल्टी दिशा में करेंगे, या जिसको हम सीधा माना उसी दिशा में करेंगे, प्रभाव के लिए प्रयास करेंगे। आप पाएंगे कि जब हम सुख के स्रोत को भीतर देखने जाते हैं तो ऐसे कई सारे प्रश्न उभरते हैं हमारे अंदर, और हो सकता है उनका उत्तर हमारे पास ना हो, तो हमारी चाहना एक प्रकार की बनी रहती है, वो चाहना हमें स्पष्ट भी नहीं होती, तो जो इच्छाएं बनती हैं और उल्टी सीधी दिशा में बनती हैं, और योजना कार्यक्रम तो और बहुत तेरे दिशा में बनता है। इसको अभी हम वहां से देखना शुरू करें कम से कम, कि हम सुखी होना चाहते हैं कि नहीं, एक बात। सुखी, ठीक भैया, हाँ, सुखी होने के स्रोत को हम भीतर देखना चाहते हैं कि नहीं, यानी सुख के स्रोत को हम भीतर देखना चाहते हैं कि नहीं, जी भैया, ये भी हमको स्पष्ट है कि नहीं, कि हम कुछ बाहर से पाकर ही सुखी होना चाहते हैं। ऐसा तो नहीं लगता कि उसके लिए हमारे अंदर कुछ अभी उलझन है, कि अगर ये बाहर के स्रोतों को भी हम ना बना के रखें तो ये सारा सो कॉल्ड डेवलपमेंट कैसे होगा, टेक्नोलॉजी कैसे बढ़ेगी, मार्केट कैसे चलेगा, इकोनॉमी कैसे चलेगी, परिवार कैसे चलेंगे, समाज में ये सब चीजें जो हो रही हैं वो कैसे होंगी, तो फिर हम लौट कर फिर एक प्रभाव के रूप में उसको पहचानना शुरू कर देते हैं। तो ज्यादा उचित कहना ये होगा कि निराश ना हो जाए, हमारी आशाएं निश्चित बनी रहें। तो जैसे है ना, हमने शिशु को उत्पन्न किया तो जाहिर सी बात है वहाँ हमारी एक निश्चित आशा तो होगी, हमने शिशु का पालन पोषण किया वहां भी एक आशा होगी, वो आशा निश्चित हो। तो आशा तो हमारे अंदर एक क्रिया है जो चलती ही रहती है, जी। तो आशा मुक्त हो जाए ऐसा तो नहीं हो पाएगा, आशा निश्चित हो जाए है ना, ये तो हो सकता है। जी जी भैया, देखिए ये जो फॉर्मुलेशन है, जैसे प्रकृति हमें चलाए है ना, हाँ। फिर हमारी जिम्मेदारी क्या होगी? तो प्रकृति हमें चलाएगी या हम अपने समझ और भाव के आधार पर निश्चित प्रकार से चलेंगे, ये दोनों अंतर है ना। तो क्या होता है फिर, परिस्थितियां हमको ड्राइव करती हैं अगर प्रकृति हमें चलाती है। अब आज हम लोग एक होमवर्क के रूप में इसको देखना शुरू करें कि हम कैसे कैसे सुखी होने के लिए, प्रभाव के लिए काम कर रहे हैं, और कब कब हम उसको स्वभाव के रूप में देख पा रहे हैं, ये थोड़ा ऑब्जर्वेशन में ले आए, कल इस पर हम लोग और आगे बात करेंगे।